गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का देखो, आज का अभी मॉर्निंग मेरा किचन से स्टार्ट हो गया है। कॉफ़ी रखा है गर्म करने के लिए। सुबह में जो कॉफ़ी बनाया था वो खत्म हो चुका है, तो अभी वापस से कॉफ़ी बनाने रखा है। एंड आज मेरा जो काम था वो भी मेरा काम भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत अच्छे रिक्वायरमेंट्स है, पर बहुत डिफिकल्ट टू क्रैक है, तो मेरे से हो नहीं रहा था। तो अभी मैम मेरे को सीवी निकाल के देगी, सर्चेस सेव करके रखेगी। अभी मैंने थोड़े बहुत सर्चेस किए, थोड़े बहुत रेलिवेंट सीवीज मुझे मिले हैं। नाउ लेट्स सी, कॉलिंग करना बाकी है, बाकी तो मैम भेजेगी। तो अभी चलो फटाफट से कॉफ़ी बनाती हूँ, तो एक उबाल आना बाकी है। ये ना गए कैन, गुड मॉर्निंग बोल। तो चलो गाइस कॉफ़ी सबको डालते हैं। मैं भी लेती हूँ एक और ग्लास, मैंने मॉर्निंग में एक ग्लास पिया था, मैं एक और ग्लास पीती हूँ। एंड काम करना स्टार्ट करती हूँ वापस से। मैंने सुबह में जल्दी स्टार्ट कर दिया था, बट ब्लॉक करने के लिए मैं थोड़ा बोली कि मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि मेरे को पहले पूरा क्लाइंट समझना था। तो अभी थोड़ा बहुत समझा है, ट्राई करते हैं एंड काम स्टार्ट करते हैं इन फुल फ्लो, एंड फिर आपसे मिलते हैं। मेरा काम अभी स्टार्ट है। देखो यहाँ पे सीरीज पे सीरीज यहाँ पे सब मिले हैं मेरे को, तो यहाँ पे भी काम चालू है। चलो काम खत्म करते फिर मिलते हैं। गाइस लंच टाइम हो गया, एंड आज का लंच मेरा इंटरेस्टिंग है। चना करी, राइस, थोड़ा ये कुकुम्बर टमेटो, एंड ये है जौला, अपना सूखा प्रॉन्स। केडू भी खा रहा है, केन भी खा रहा है, मामा भी खा रहे हैं। तो चलो गाइस खाना खाते हैं, एंड आज मेरा काम हो चुका है, तो मैं जाके सो जाऊंगी। तो फिर आपसे मिलती हूँ सीधा शाम में, क्योंकि शाम में आज मैं कियारा को कंफर्म लेके जाने वाली हूँ शेडिंग के लिए। अभी खाना खाते थोड़ा नाप लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस तो शाम हो गई है, एंड आज मैं कियारा को लेके आई हूँ नीचे। ये रही कियारा, अपने आप पूरा उसने सेफ्टी वगैरह पहना है। धीरे धीरे ये उसका टोपी, एल्बो, नी सब पहना है उसने, उसका स्केटिंग का ब्लू पहना है। और देखो उधर वो पागल वहाँ पे बैठा है, क्या कर रहा है उसको ही मालूम। पहला बड़ा हो जा फिर स्केटिंग मिलेगा। तो चलो गाइज अभी मैं कियारा को स्केटिंग सिखाती हूँ। मेरे को किसी ने भी नहीं सिखाया था, मैं खुद बोर्डिंग में सीखी थी, क्योंकि मेरे को मेरा पहला स्केटिंग मम्मी ने दिया था, जो इसका था शूज वाले स्केटिंग हुआ करते थे, तो मैंने उस पर सीखा था। तो अभी चलो कियारा को मैंने बोला था कि मैं शिशपाक लेके जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर बहुत क्राउड रहेगा, तो मैंने बोला कल आयास के साथ जाएंगे। तो आज अपन बिल्डिंग के नीचे ही करते हैं उसको, ऊपर से तीसरे माले पर हम लोग रहते हैं, बट उसको उतारते उतारते ऐसा होगा कि मैं दसवें माले पर रहती हूँ। तो चलो गाइस अभी उसको सिखाते हैं, उसको थोड़ा बहुत आता है ऐसा बोल रही है वो, तो अभी देखते हैं कि वो कैसे करती है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती हूँ। स्केटिंग मिलेगा, पहले बड़ा हो जा, पहले साइकिल तो सीख इडियट। तो चलो गाइस मुझे भी साइकिल दे दो तुम लोग। हाँ साइकिल मिलेगा। तो चलो गाइस वो देखो कियारा कर रही है धीरे धीरे स्केटिंग, और देखो स्लोली स्लोली कर रही है। ये उम्र में अगर वो स्कूटी चला सकती है बिना पैर नीचे पहुंचे तो फिर वो, ये भी इसको स्केटिंग तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मेरे को स्कूटर चलाने अभी तक आता नहीं है इतना, तो अभी वो चला रही है। और चलो थोड़ा सा बैलेंस करना सीख रहा है। हाँ थोड़ा बॉडी को आगे रख ऐसा, हाँ थोड़ा, हाँ एकदम भी बेंड मत कर, हाँ एकदम भी बेंड मत कर, नॉर्मल। एंड स्केटिंग ऐसा जाना चाहिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, धीरे धीरे। ए कियान धीरे, बैलेंस। तो चलो गाइस मुझे कियारा का हाथ पकड़ के उसको कराना पड़ेगा, तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो गाइस कियारा यहाँ तक आ चुकी है स्केटिंग करते करते, मामा भी उधर खड़ा है, मामा भी देख रहा है कियारा को, धीरे धीरे धीरे। चला रही है स्केटिंग, हाँ कर रही धीरे धीरे। ए गधा इडियट, देखो भी पड़ेगा अभी। तो चलो गाइस कियारा को स्केट्स कराते हैं। गाइस तो मैं ना के भी फ्रेश होके बैठी हूँ, मैंने बाहर स्केटिंग कियारा का करवाया, उसको सिखाया थोड़ा बहुत, फिर ऊपर आए, फिर हम लोग मार्केट चले गए थे भाजी वगैरह खरीदने के लिए, तो मैं उसका व्लॉग लेना भूल गई, क्योंकि मेरा इतना सारा सामान लेना था हाथ में पकड़ने, व्लॉग करूँ क्या क्या करूँ। तो अभी अल्टीमेटली सब काम करके मैं घर पे आई, अभी मैं नहाई हूँ, मेरी बहन ने भी बनाया है मटन, बनाया वापस से मटन बनाया, तो अभी उसका चेक करना है टेस्ट वगैरह। सो चलो अभी मैं थोड़ा देर आराम करती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाने बैठूंगी। उससे मेरे को पे को ये भी देखने का है बिग बॉस, ये आज का जो है वो अभिषेक और ईशा का और उसका बॉयफ्रेंड का आया है फर्स्ट है, वो देखना है। अगर आप लोग भी देखते हो तो बिग बॉस आप समझ में आया ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान तो देखता ही है बिग बॉस, आई थिंक मोस्टली देखते हैं। तो चलो अभी मैं थोड़ा आराम करती हूँ, बिग बॉस लाइव देखती हूँ, एंड फिर आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट खाना खाने के टाइम पे।
गाइस, खाने का टाइम हो चुका है, डिनर का टाइम। एंड आज का खाना मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है। सलाद है एंड ये तिक्की चटनी है एंड ये मटन करी राइस है। चना मसाला डाला है? चना मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला है, मटन ही है वो भी। तो चलो गाइस, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बिग बॉस देखते भी खाऊंगी मैं, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बिग बॉस देखने वाली हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग को।